दिल्ली में नेता विपक्ष रामवीर सिंह भिदूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने राजधानी को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया है। 7 साल में एक भी बस नहीं ला पाए, सड़कों का हाल बेहाल है, धूल उड़ रही है, क्या यही है आप सरकार का वर्ल्ड क्लास मॉडल? नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदूड़ी ने कहा कि साल 2015 में केंद्र सरकार ने 40 इलेक्ट्रॉनिक बस खरीदने का फैसला किया, जिसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार ही वहन करती, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसे मना कर दिया। रामवीर सिंह भिदूड़ी ने कहा कि आज परिवहन विभाग में स्थिति यह है कि डीटीसी के बेड़े में 3,754 बसों में से अधिकतर बस अपनी उम्र पिछले साल सितंबर में ही पार कर चुकी है। ये बसें चलना सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत खतरनाक है। होना तो यह चाहिए था कि इन पुरानी बसों को सड़कों से हटाकर इनकी जगह नई बस लाई जानी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने एक भी नई बस खरीदी नहीं। उन्होंने कहा कि इसके बाद परिवहन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखित पत्र दिया, 400 इलेक्ट्रॉनिक बसों को देने की बात कही, लेकिन एक भी बस नहीं ला पाए और आज एक बस लाकर उनके प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च करने में लुटा रहे हैं। आप सभी साथियों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ, 2015 में केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि दिल्ली को 40 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएं और उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार को वहन करना था। अरविंद केजरीवाल ने वे 40 बसें नहीं ली, मैं फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं। सेकंड फेज में 2017 में भारत सरकार के एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने दिल्ली को के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा कि हम दिल्ली को और 400 बसें देना चाहते हैं, लेकिन एक भी बस नहीं ली गई और आज एक बस वो लेकर आए हैं। उसके लिए कितना सब कुछ प्रचार किया गया उसके बारे में अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से बताया है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ इस मौके पर अध्यक्ष जी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली जो है वह दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है और WHO ने भी दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दिया। भिदूड़े ने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और इस प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण परिवहन विभाग है। दिल्ली में पिछले 7 सालों में एक भी बस नहीं खरीद पाई और दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से और स्थिति बदतर हो गई।